हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल, कम बैक। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सके, क्योंकि हर स्टूडेंट का अलग अलग कॉन्फिडेंस होता है, आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, कौन सा डे और कहाँ से आई है। आगे से बच्चा लेफ्ट जाना है, सिग्नल दे दूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मानसी उपाध्याय। कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? सिक्स डेज हो चुके। इससे पहले कभी कोई कार ट्राई किया आपने, चलाई? यहाँ से लेफ्ट। स्कूटी चला लेती हैं? नहीं, साइकिल? आराम से साइकिल चला लेती हैं, सीधी करो। अभी जैसे देखो, यहाँ पे भी आपने थर्ड गियर में कार को टर्न किया ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी भाग रही है जी। क्योंकि थर्ड गियर की जो नॉर्मल स्पीड होती है 30, मैक्सिमम 40। अभी राइट वाला पैर आप ब्रेक पे ले आओ, ब्रेक पे ले आओ प्रॉपर, ठीक है? अभी आप एक्सेलेटर टच मत करना। गाड़ी कौन से गियर में है आपकी? थर्ड गियर में। थर्ड गियर की मिनिमम स्पीड कितनी होती है? मैक्सिमम 40। तो अभी आपने राइट वाला पैर कहाँ रख रखा है? ब्रेक पे, और लेफ्ट वाला क्लच पे। तो फर्स्ट और सेकंड गियर में 0 RPM पे कार आपकी चलती है बिना एक्सेलेटर, बट ये अभी स्पीड कितनी डाउन हो गई है? 20 माइनस आ गई है। और गाड़ी कौन से गियर में है? थर्ड गियर में। मेरी तरफ तो कोई एक्सेलेटर है नहीं, है नहीं है। राइट का सिग्नल दो, ब्रेक पे पैर रखना, ठीक है? अभी टर्न नहीं करना, थोड़ा आगे जाके अब राइट टर्न करो, काटो राइट, धीरे से काटो, काटो काटो धीरे से, हाँ बस काटो काटो, घबराओ मत, हाँ बस धीरे, सीधी करो सीधी, ज़्यादा काट दिया आपने, देखा? घबराना नहीं है, सारा खेल स्टीयरिंग का है। अभी आपका पैर ब्रेक पे ही है ना जी। और गाड़ी कितनी देर से थर्ड गियर में चल रही है? लगभग 200 मीटर तो हो गया होगा ना जी। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर बिना एक्सीलेटर गाड़ी चलाई जा सकती। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका इंजन फ्रेश होता है, ठीक है, इंजन अच्छी कंडीशन में है, तो वो थर्ड गियर में भी गाड़ी बिना एक्सीलेटर आप उसको चला सकते हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि अगर आप ब्रेक लगाओगी तो गाड़ी आपकी झटके मार के बंद हो जाएगी, क्योंकि 20 माइनस स्पीड है, और जो थर्ड गियर है वो 20 प्लस मेंटेन कर सकते हो आप। 20 माइनस जाएगा तो गाड़ी झटके मार के बंद हो जाएगी। तो अभी जैसे कि आप चला रहे हो, तो अभी अगर बिना क्लच के आप अगर ब्रेक लगाओगे ना, थोड़ा सा लगाओ ब्रेक, ज़रा ब्रेक लगाओ, अब छोड़ दो ब्रेक छोड़ो। अभी गाड़ी क्या कर रही थी? जर कर रही थी, झटके मार रही थी। तो अगर अभी आप ब्रेक 1 सेकंड और लेट हो जाती छोड़ने में तो क्या होता? इंजन झटके मार के बंद हो जाता बिना आपको, मतलब क्लच दबाए इंजन बुझ जाता। हल्का राइट रखो, राइट, लॉन्ग हॉर्न बजाया करो, थोड़ा हॉर्न आप कम बजाती हैं, क्योंकि सामने वाले को बचाने की जिम्मेदारी आप, जो सामने से आ रहा है वो आपको अपने आप बचेगा, नोटिस कर रहा है, लेकिन जो इधर लेफ्ट में है, जो कोई लेफ्ट में खड़ी गाड़ियाँ, लेफ्ट में जो भी बंदा जा रहा है उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है? तो ये हमेशा ध्यान रखना। अभी बीच रोड पे आप चल रहे हो, हमारी साइड कौन सी है? लेफ्ट। अभी आपको क्या करना है, राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, ठीक है? अभी पूरा क्लच दबाओ फुल जल्दी से, और लेफ्ट ला के सेकेंड गियर करो फटाफट, लेफ्ट ला के सेकेंड गियर, वेरी गुड, चलो। लेकिन एक मिस्टेक करी आपने, छोड़ो क्लच, आपने राइट वाला हाथ 12 o'clock पे लेके नहीं आई थी, अभी जब आप गियर चेंज कर रही थी, सीधी करो। अभी आपकी राइट साइड को स्टीयरिंग भागी थी, गाड़ी लहराई नहीं लहराई, तो जब हम गियर चेंज करते हैं तो हमारी गाड़ी लहरानी नहीं चाहिए, यहाँ पे हाथ आना चाहिए जहाँ पे आपने अभी रखा था। अभी इसी कट से राइट ले लेना, राइट का सिग्नल दो नीचे को, और टर्निंग के टाइम आपकी नज़र एकदम अलर्ट रहेगी, लेफ्ट और राइट देख के तब टर्न करना है, और हमेशा अपना लेफ्ट दबा के टर्न करना है। अभी राइट वाले मिरर पे नज़र डालो, हॉर्न बजाओ लॉन्ग, ब्रेक पे पैर रखो, हल्का सा ब्रेक दबाओ, अब राइट काटो काटो, अब यहाँ पे लेफ्ट चढ़ा के नहीं काटना है, लेफ्ट इधर दबा के सीधी करो सीधी, बस 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 बस। आप अभी स्टीयरिंग लहरा देती है, लहराओ मत, नहीं तो फिर छू जाएगी इधर उधर, हड़बड़ाए मत करो, जाने दो, इनको हॉर्न दो अंकल को, बस। लेफ्ट टू दबा के काटने का मतलब ये था ना, जैसे कि जो रोड हमको चौड़ा दिख रहा है पहले से, वहाँ नहीं लेफ्ट दबाना है। जब टर्न कर रही थी आप, तब हल्का सा लेफ्ट लेके, मतलब इधर की तरफ ऐसे कर्ब लेके काटना था, ताकि सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो उसके लिए स्पेस रहना चाहिए टर्निंग पॉइंट पे। अभी यहाँ से फिर लेफ्ट जाना, आगे जहाँ से वैन निकली है, तो अभी आप लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ, और टर्निंग के टाइम आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए सही तरीके से, सही से रखो पैर, अच्छे से इधर लाओ लेफ्ट थोड़ा पैर, हाँ ये पॉइंट होना चाहिए प्रॉपर। अब यहाँ टर्निंग पे हाफ क्लच दबा के थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर मोड़ना, हाँ
ताकि बिना ब्रेक के भी इंजन की स्पीड कम हो जाए। लॉन्ग हॉर्न रोड से मोड़ना, रोड से। हाँ, अब टर्न करो, काटो, बस इससे ज़्यादा नहीं काटना है। अब सीधी करो, हाफ काटना रहता है। हाफ काट के वेट करना होता है, फुल वहाँ काटना है जहाँ पे हमको यूटर्न मारना है, या मतलब जहाँ पे बहुत नैरो है वहाँ पे 90 डिग्री से स्टीयरिंग को 1.5 राउंड, 1.5 राउंड होते पूरे। अभी आपने हाफ टर्न किया तो यहाँ पे देखो ज़रा सा भी स्टीयरिंग लहराई थी, इससे पहले वाले कट पे स्टीयरिंग आपकी बबल कर गई थी, लहरा गई थी, क्योंकि वहाँ आपने ज़्यादा काटा था और ज़्यादा सीधी करनी पड़ी थी। हमको स्टीयरिंग टर्न करने के बाद थोड़ा सा गाड़ी को वेट करना कि गाड़ी थोड़ा आगे खिसक जाए, उसके बाद काटना है। अभी जैसे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो यहाँ पे आप हाफ क्लच लेना है, आपको सेकंड गियर में ना हाफ क्लच लेके थोड़ा सा ब्रेक लेना है, जिससे कि गाड़ी आपकी कूदे ना और आसानी से निकल जाए। ये निकल गई, अभी वापस आप एक्सेलेटर पे पैर ले जा सकती हो। ये जो दो लाइनें दिख रही हैं, वाइट लाइन, एक लेफ्ट एक राइट, इन दोनों लाइनों के बीच का अंदाज़ा आपको है कितना गैपिंग है, कितना चौड़ाई है दोनों लाइनों के बीच का? 5 फीट। और आपकी गाड़ी के जो टायर हैं दोनों, टायरों के अंदर का एरिया कितना है? 4 फिट। जो हमारे टायर हैं वो दोनों 5 फिट के गैपिंग पे हैं, ये राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों जो टायर हैं, अगर हम लाइन बना के चले तो 5 फिट के बीच में जो गैपिंग है, जो लाइन थी वो एकदम परफेक्ट थी टायर। अब राइट जाना है यहाँ से। हाँ, टर्निंग के टाइम हाफ क्लच थोड़ा सा ब्रेक, हाफ क्लच इसलिए बता रहा हूँ बार बार दबाने के लिए ताकि आपको ब्रेक ना लेना पड़े। लेफ्ट इधर इधर बेटा, वो रॉन्ग साइड हो जाएगा, इधर से वो हमारी साइड नहीं है ना। अब काटो राइट, काटो, बस वापस लेफ्ट आओ, लेफ्ट वाली लाइन में, वो रॉन्ग साइड है ना, वहाँ हम कैसे जा सकते हैं, ये डिवाइडर रोड है ना। बढ़ाओ धीरे से, हाँ स्पीड बढ़ाओ। अभी जब आप लेफ्ट वाली लाइन में रखोगे ना तो राइट से कोई भी गाड़ी आएगी वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर आप राइट वाली लाइन में रखोगे तो वो फिर आपको हॉर्न बजा के डिस्टर्ब करेगा। अभी हल्का राइट रखो, हाँ बस, अंकल को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, क्योंकि कार कौन ओवरटेक कर रहा है? आप कर रहे हैं। हल्का सा स्पीड लो, जाने दो। सबसे ज़्यादा हमें लेफ्ट में ही ध्यान देना होता है, राइट में तो देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक चीज़ें अपने आप सेट हो जाती हैं। सीधा जाना है, सामने देखो इस ब्रेकर है, यहाँ पे हल्का सा ब्रेक ले लेना है बिना क्लच के, क्लच नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई भी है। अगर यहाँ पे आप क्लच दबा के ब्रेक लोगे तो पता है क्या होगा, इंजन आपका रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ताकत भी चाहिए गाड़ी को चढ़ने के लिए। तो जब आप क्लच नहीं दबाओगे तो इंजन अपना पूरी ताकत लगा रहा होगा, ब्रेक हल्का दबाओगे तो उससे गाड़ी सिर्फ थोड़ी सी डाउन होगी, रुकेगी नहीं। जहाँ पे सामने बाइक निकली है लास्ट में जाके, वहाँ पे गाड़ी रोकना है आपको, टी पॉइंट में अपना पूरा लेफ्ट ही दबा के रोकना है, फिर वहीं से मैं यू टर्न करा दूंगा आपको। तो अभी जैसे लेफ्ट में हमको रोकना है तो उसके लिए पहले से लेफ्ट का सिग्नल दे दो ऊपर को, ताकि पीछे वाले लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि ये गाड़ी रुकेगी या टर्न होगी। मोड़ने से पहले रोकना है, मैं बताऊँगा अभी। जो ये लेफ्ट में गाड़ी खड़ी ना JCB टाइप की, और लेफ्ट आओ हल्का, हाँ अभी मैं बताऊँगा, जाने दो इसको क्रॉस करके ताकि हमें यूटर्न करने में दिक्कत ना हो। अभी लेफ्ट आओ और पूरा फुल क्लच दबा लो, जल्दी से पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक नहीं, और लेफ्ट दबाओ, गाड़ी अपनी लेफ्ट दबाओ, नीचे उतारो, और लेफ्ट आओ, और थोड़ा, हाँ सीधी करो, बस लेफ्ट आओ, स्टॉप करो, पूरा क्लच और ब्रेक, बस दोनों दबा के रखना, छोड़ना नहीं। अभी पहले इसको न्यूट्रल करो गियर को, हाँ हो गया न्यूट्रल, अभी ब्रेक दबा के रखना, क्लच छोड़ दो, आप निकल दो। अभी क्या करना है आपको, पूरी राइट काट लो स्टीयरिंग, फुल काटो राइट, बंद नहीं हुआ, फुल काटो बच्चा, फुल कट गई। अब राइट का सिग्नल दो, हाँ अभी कौन सा गियर डालोगी? पहला गियर, हाँ डालो बेटा, क्लच तो दबाओ, चलो अभी धीरे धीरे राइट जाओ, चलो छोड़ो, हाँ फुल कट ही रहने देना, फुल, हाँ हाफ क्लच, बस आपने ब्रेक दबा रखा है, क्लच छोड़ दिया इसलिए इंजन बुझ गया। वापस क्लच दबा के इंजन ऑन करो, पूरा क्लच दबा के इंजन ऑन करो, अगर ब्रेक दबा होगा तो गाड़ी के बस हो गई, हो गई तो कैसे चलेगी, गियर में ऑलरेडी है, चलो जाओ, हाँ इसको निकलने दो, अगर ज़रा सा भी ब्रेक दबा के रखा होगा ना तो गाड़ी नहीं बढ़ेगी, जाओ धीरे से छोड़ो, चलो, हाँ जाने दो जाने दो, घबराओ मत, जाओ 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 जाओ, फुल कट ही रहने देना, फुल फुल, घबराओ मत, फुल कट ही रहने दो, फुल फुल फुल, हाँ चलने दो चलने दो, जाने दो जाने दो, जाओ 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 जाओ, चलो जाओ 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 जाओ, हाँ जाने दो, जाओ जाओ जाओ, हल्का रेस लो, हल्का रेस लो,
बस बस जाने दो जाने दो, जाओ जाओ आराम आराम से, आराम आराम से, गुड गुड गुड, बस सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करो बस, और सीधी करो, गुड। ट्राई तो खोल का कट गई, देखा एकदम सटके निकली थी वहाँ से, रैंप से उनके, ऐसा लग रहा था कि नहीं निकल पाएगी, बट मुझे अंदाज़ा था कि गाड़ी निकल जाएगी। अगर आपने पूरा स्टीयरिंग नहीं काटा होता ना तो शायद नहीं निकल पाती। अभी स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, और हाँ गुड, अभी क्लच दबा के सेकंड गियर करो, वेरी गुड, चलो जाने दो, क्लच छोड़ दो। हाँ, क्योंकि यूटर्न के टाइम अगर फुल स्टीयरिंग आप नहीं काटोगे ना खड़ी गाड़ी पे, जैसे कभी भी हम यूटर्न कर रहे हैं तो गाड़ी पहले खड़ी करके पहले स्टीयरिंग को पूरा घुमा लो फुल राउंड, उसके बाद गाड़ी को बढ़ाना, तो कम जगह में आपकी गाड़ी घूम जाएगी। अगर आपने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया फर्स्ट गियर में, उसके बाद स्टीयरिंग का मूव करोगे तो वो ज़्यादा जगह लेगी। खड़ी गाड़ी जब भी काटना तो स्टीयरिंग को पहले काट लेना है। जैसे हम पोर्च में खड़ी करते हैं, मॉरल पार्किंग करते हैं, किसी पतली गली में गाड़ी को बैक करते हैं, तो वहाँ पे हमको पहले स्टीयरिंग काट लेना है कम जगह में, ताकि हमारी गाड़ी कम से कम राइट खोल का कम से कम जगह में घूम जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं, गाड़ी बढ़ा देते हैं, उसके बाद स्टीयरिंग को मूव करते हैं, तो उनको सीधा जाना है, तो उनको ज़्यादा समय लेना पड़ता है, वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। जाने दो धीरे से, हाँ इसमें है कुछ भी नहीं मानसी, बस थोड़ा सा चीज़ों को आपको समझना है। अगर आप थोड़ा सा चीज़ें समझ लेती हैं ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। राइट वाले मिरर में आपकी बार बार नज़र जानी चाहिए, लेफ़्ट वाले मिरर में बार बार नज़र जानी चाहिए, ताकि आपको ये कंफर्म रहे। फ्रंट में तो चलो आपको दिख रहा है ना कि आपके सामने से कौन आ रहा है, दाएं से कौन आ रहा है, बाएं से कौन आ रहा है, और लेकिन अभी यहां से राइट लेना है, सिग्नल दो राइट का, हाँ नीचे को राइट बेटा ये है, हाँ काटो राइट धीरे से बस, हाँ और काटो थोड़ा, हाँ अभी सीधी करो, सीधी सीधी। मानसी आपका पैर हवा में क्यों टहलता है राइट वाला, जब अभी आप कार टर्न कर रही थी तो क्या ब्रेक को पकड़ रखा था? नहीं पकड़ रखा था, ब्रेक को पकड़ के रखना है, हालांकि 1% ब्रेक को दबा लो, ताकि ये श्योर हो जाए, कंफर्म हो जाए कि आपका पैर ब्रेक पे है, नहीं तो धोखा हो जाएगा। फिर आप सोचोगे ब्रेक दबेगा एक्सेलेटर प्रॉपर, मैं बगैर सूज के क्यों चलवाता हूँ, इसीलिए तो चलवाता हूँ ताकि पैंडल टच फील हो जाए, बट आपके पैर वहाँ प्रॉपर नहीं पहुँच पा रहे हैं, इस वजह से हल्का राइट रखो, जाने दो। हाँ सीधा जाना है, एकदम सीधा जाके टी पॉइंट से राइट लेना है, सीधा सीधा जाके, हाँ अपना लेफ्ट दबा के ब्रेक पे पैर रख लेना, यहाँ पे हाफ क्लच थोड़ा सा ब्रेक, जाओ धीरे धीरे टर्न करना है, काटो राइट, राइट काटो काटो बस, छोड़ो क्लच, झटके छोड़ा अपने, सीधी करो, ये सीधी करो, झटके छोड़ा, झटके से नहीं छोड़ना है, अगर झटके से छोड़ोगे तो गाड़ी देखो जर्क करी, जर्क नहीं करनी चाहिए। लेफ्ट का अब सिग्नल दो, हाँ अब यहाँ पे लेफ्ट रोड पे ही लेफ्ट टर्न करना है, ये वाइट लाइन है, हल्का सा ब्रेक ले लेना, और सेकंड गियर में हो ना तो हल्का सा क्लच भी ले लेना, हल्का सा हॉर्न बजाओ, लेफ्ट टर्न करना है, अब इधर लेफ्ट काटो, टर्न करो, गुड, बस इतने पे होल्ड रखो स्टीयरिंग को, फुल नहीं काटना है, अभी सीधी करो, सीधी हो गई। कुछ लोग क्या करते हैं ना, फुल स्टीयरिंग घुमा देते हैं, फिर सीधी करने में समय लगा देते हैं, तो गाड़ी उनकी लेफ्ट या राइट उतर जाती है रोड से, ठीक है। तो आपको ये नोटिस करना है कि आपने कितना स्टीयरिंग घुमाया है और कितना स्टीयरिंग वापस सीधा करना है, ये चीज़ आपको ही डिसाइड करना है, ठीक है। अभी टी पॉइंट से लेफ्ट जाना है हमें, सिग्नल दो लेफ्ट का, बेटा ये राइट का है, ब्रेक पे पैर, बस लेफ्ट ही रखो अपना लेफ्ट, हाँ जितना लेफ्ट रखोगे उतना सुरक्षित रहोगे, बस हॉर्न बजाओ, बस सीधी करो, सीधी करो फटाफट फटाफट, बस अभी एकदम सीधा जाना है, हल्का लेफ्ट हो, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो ना क्लच दबा लो पूरा और थोड़ा सा ब्रेक ले लो। अगर जैसे अभी अंकल आंटी दौड़े थे सामने से, तो ऐसे में क्या है, क्लच दबा के हल्का सा ब्रेक ले लो, पूरा क्लच दबा लो, जब पूरा क्लच दबा लोगे तो इंजन आपका फ्री हो जाएगा, और आप ब्रेक कितना लेना वो आप डिसाइड कर सकते हो, 10%, 20%, 30%, तो वहाँ पे पहली बात तो आपका इंजन कभी बंद नहीं होगा। जैसे इंजन बंद हो जाता है ना हड़बड़ाहट में, इंजन बुझ जाता है, ब्रेक ज़्यादा दब जाता है, तो इंजन वहीं के वहीं ऑफ हो जाता है, तो ये चीज़ नहीं होगा। अगर आप फुल क्लच दबा लेते हो तो इंजन पूरा फ्री, ब्रेक जितना चाहो उतना आप दबा सकते हो, 10%, 20%, 30%, और नहीं भी दबाना चाहते हो अगर ज़रूरत नहीं है तो वापस क्लच छोड़ दोगे, गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो जाने दो। सो गाइस आज मानसी ने बहुत अच्छा चलाया, क्योंकि आज इसका ब्रदर नहीं आया है,
क्या हुआ उसको? अच्छा नाइट शिफ्ट थी इसलिए नहीं आया। ओके तो उसका हाफ एन आवर इनका रहता है दोनों का, ये अपना 6 से 6:30 से 7:30 इनका स्लॉट है, तो मैं आज इसको 1 घंटे की क्लास दे रहा हूँ ताकि थोड़ा इसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए। और काफ़ी अच्छा चला रही है आज, जिस हिसाब से ये चला रही तो ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन में इसका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। हल्का राइट रखो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, ताकि अगले वीडियो में और मैं कोशिश करूं कि और छोटी छोटी बारीकियां मैं बता पाऊं, जिससे कि आप लोगों की मदद हो सके और आप और अच्छा सीख सकें। जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं, जो लोग मेरी वीडियोज़ को देख के चीज़ें सीख रहे हैं, तो उनको और काफ़ी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।